राधे व्यूअर्स, आज मैं आपको ये दो नंबर कान्हा जी की ड्रेस बताऊंगी। और ये ड्रेस मेरी इस तरीके से बनी हुई है, ऐसी, और इस तरीके से इसमें कलियां बनी हुई हैं। बहुत खूबसूरत सी ड्रेस लगती है। ये दो नंबर कान्हा जी की ड्रेस है और पीछे से इस तरीके से है, तो इसी को आज मैं वीडियो में बताऊँगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये दो नंबर की चोली ले ली है और इसको मैं रेड कलर से बनाऊंगी। तो ये दो नंबर कान्हा जी की चोली है, ये मेरे वीडियो पे अपलोड भी है, उसको जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं इस ऊन को लगाऊंगी। ऐसे आप इसमें गांठ भी लगा सकते हैं और इस तरीके से इसको ऐसे नॉट भी लगा लेंगे। तो यहाँ से हम ये होल, आर्म होल के पास में है, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से इसमें तीन चेन बनाएंगे और इसी में दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे हर चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड हमारा इसी तरीके से हम इसको बनाते हुए जाएंगे। ये हर चेन में दो बार ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें पूरी लाइन ऐसी बना लेते हैं, ऐसे इस तरीके से। और ये पूरी लाइन बनके तैयार हो गई। आप इसे बड़े साइज में भी बना सकते हैं। मैं दो नंबर कान्हा जी की ड्रेस में बना रही हूँ, डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसको स्लिप चेन से जोड़ लेंगे। फिर यहाँ तीन चेन बनाएंगे ऐसे। एक लाइन हमने बना ली, तो ऐसी तीन चेन बनाएंगे, दो तीन। उसके बाद हम ये तीन बार ऐसे इस धागा को लपेटेंगे ऐसे और इसी होल से डाल के ऐसे, पहले एक बार ऐसे, एक दो और तीन। तीन बार हमने इस तरीके से होल बना लिया। फिर हम इसमें तीन चेन बनाएंगे ऐसे और इसमें 11 बार हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमारा ये तीन चेन की क्रोशिया हो गई, तो कुल मिला के हमारी ये 12 हो जाएंगे। तो हम इसमें 11 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और एक हमारी ये डबल क्रोशिया। तो हमारी कुल मिला के 12 हो गई हैं। और एक इस चैन को हम यहाँ छोड़ देंगे, इस वाली में हम इसको स्लिप चैन से जोड़ देंगे ऐसे। तो हमारी एक पत्ती ऐसे बन गई। फिर हम इसे तीन डबल क्रोशिया लेंगे और इसमें तीन बार ऐसे धागा लपेटेंगे और इसी होल में हम डाल के ऐसे तीन बार में ही इसको हम बनाएंगे ऐसे, एक दो और तीन। तो हमारा इस तरीके से होल बन गया है। और फिर हम तीन चेन लेंगे ऐसे और फिर इसी होल में हम 11 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ
नौ दस ग्यारह, ग्यारह हमने बना लिए और एक हमारी ये डबल क्रोशिया वाली चेन है तो इसकी हमारे लगा के बारह हो गए। फिर एक स्किप कर देंगे और इस तीसरी वाली में इसको आके हम ऐसे जोड़ देंगे तो हमारी ये दो पत्तियां बन गई। इसी तरीके से हमें पूरा लाइन जो है इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये तीन चेन बनाई, तीन बार इसमें ऐसे धागा लपेटा और इसी होल से तीन बार में ही इसको हम चेन बनाएंगे, ऐसे क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें तीन चेन बनाएंगे ऐसे, इसी होल में फिर हम 11 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हमारी ये 11 हमने डबल क्रोशिया बनाई और एक हमारी इसको लगा के 12 हो गई। एक चैन हम इसमें स्किप कर देंगे और तीसरी चैन में जाके हम इसको ऐसे जोड़ देंगे तो हम पूरी लाइन इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। एक पत्ती बन गई इस तरीके से, दूसरी तो हमारा ये पूरी लाइन ऐसी बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाई है ऐसे ही हम इसमें बनाएंगे। तो हम पूरी लाइन बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। तो हमारी इस तरीके से पूरी लाइन बन गई है, तो ऐसे कलियां बनी है इसमें ऐसे एक और हमारी ये कलियां एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह कलियां हमारी बनकर ये तैयार हुई हैं। तो इसके बाद हम इसको यहाँ हमने एक कली यहाँ जोड़ दी है। अब इसमें हम तीन चेन बनाएंगे ऐसे एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे और इस वाली कली को उठाएंगे और यहाँ इसको इसमें जोड़ देंगे। ऐसे उसके बाद फिर तीन चेन बनाएंगे ऐसे एक दो तीन और इस कली को ऐसे पलट लेंगे ऐसे और इस वाली जो है चैन यहाँ पर बनाई हमने यहाँ पर इसी में हम इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर हम तीन चेन बनाएंगे ऐसे एक दो तीन, फिर इस कली को हम इस तरीके से ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ हम इस चेन में आके इसको स्लिप चैन से जोड़ देंगे। फिर हम इस कली को ऐसे ऐसे पलट लेंगे अपनी तरफ को और तीन चेन बनाएंगे ऐसे एक दो तीन, तीन चेन बना के और इस कली के जो हमने जो यहाँ तीन की चेन बनाई थी इसी चेन में हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको स्लिप चैन से ऐसे जोड़ देंगे। तो हमारी ये कली इस तरीके से बन के तैयार हुई है। तो हम फिर इसमें तीन चेन बनाएंगे ऐसे एक दो तीन और इस कली को ऐसे पलट लेंगे और ये कली है इसकी इसमें आके आके ऐसे जोड़ देंगे। तो हम पूरी लाइन इसी तरीके से ऐसे ही बनाएंगे ऐसे। तो इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे तीन चेन बना के और कली को अपनी तरफ ऐसे करेंगे और ये तीन की चेन है इसी में आके इसको हम जोड़ देंगे, इस चेन में आके यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। तो हम पूरा ये बना लेते हैं। तो हमारी ये पूरी हमने इस तरीके से इसको जोड़ लिया है और अब लास्ट में हमारी ये जो चैन है यहाँ पे इसको आके हम जोड़ देंगे। ऐसे तो हमारी ये कलियाँ इस तरीके से सब इसको ऐसे करके सेट कर लेंगे ऐसे सारी कलियों को ऐसे। तो ये कलियां हमारी इस तरीके से बनके तैयार हुई हैं। अब हम इसमें
तीन चेन बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन, और इसमें पांच बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने तीन की चेन बनाई थी इसी में हम पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार पाँच, फिर ये हमारी तीन की चेन है, इसमें हम फिर पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, दो तीन चार पाँच, उसके बाद फिर इस पत्ती को ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे हम फिर पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पाँच। तो हम इस तरीके से पूरी लाइन बनाते हुए जाएंगे, ये सब में हम तीन पांच पांच बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो हम ये पूरी पांच पांच बार बना लेते हैं। इस तरीके से हमने ये पूरी लाइन ऐसे बना ली है, ये पीछे से हमारे इस तरीके से दिख रहा है। तो हमने सब में पांच पांच बार, जो हमने तीन तीन की चेन बनाई थी उसमें हमने पांच पांच बार इसमें डबल क्रोशिया बना लिए। अगर आपको यहाँ थोड़ा टाइट लगे तो तीन की जगह आप चार भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें झोल नहीं पड़ना चाहिए, इसमें पूरा इस तरीके से फ्लैट रहना चाहिए। तो अब हम इसमें साइड में हैं और यहाँ हम आके इसको स्लिप चैन से जोड़ देंगे ऐसे, इस तरीके से इसको जोड़ देंगे और यहाँ हम दूसरी ऊन लगाएंगे और इसी के ऊपर दूसरी लेयर बनाएंगे। अगर नहीं जुड़ती है तो आप इस तरीके से इसमें नॉट भी लगा सकते हैं और वैसे चाहें तो वैसे भी इसे जोड़ सकते हैं। तो अब इसमें हम जैसे हमने इसकी लेयर बनाई थी इसी तरीके से हम इसमें दूसरी लेयर बनाएंगे। तो हम दूसरा कलर लगाएंगे, आप एक कलर से भी बना सकते हैं और दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। तो हमारी इसी तरीके जैसे हमने इसमें बनाई थी वैसे ही हम इसमें तीन चेन लेंगे ऐसे, एक दो तीन, ऐसे तीन चेन लेंगे और तीन चेन लेने के बाद में ऐसे तीन बार धागा लपेटेंगे और इसी होल से हम ऐसे तीन बार में ही इसको निकालेंगे ऐसे, एक दो और तीन। फिर हम तीन चेन लेंगे ऐसे, एक दो तीन, और इसी से हम 11 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाए थे, ऐसे ही हम इसमें 11 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक हमारी जो हमने चेन ली थी तीन की वो हमारी 12 हो जाएंगी। फिर तो हम सेम उसी तरीके से जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हम इसकी पत्तियां डबल बनाएंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो हमारी ये 12 डबल क्रोशिया बनाई है और एक को हम स्किप करेंगे और तीसरे में आके हम इसको स्लिप चैन से ऐसे जोड़ देंगे। तो सेम हमें उसी तरीके से पत्तियां बनाना है जैसे हमने इसमें बनाया है। तो फिर हम इसी तरीके से तीन चेन लेंगे और तीन बार ऐसे धागा लपेटेंगे इसमें और तीन बार ही में इसे निकालेंगे, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। और फिर हम तीन बार ऐसे चेन बनाएंगे, इसी में हम 11 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक की हमारी ये चैन है, तो कुल मिला के हमारी 12 हो जाएंगी। तो हम पूरा इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको कर लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, और फिर हम इसमें एक स्किप कर देंगे और तीसरे में जाके हम इसको स्लिप चैन से ऐसे जोड़ लेंगे। तो हम पूरी पत्तियां इसी तरीके से बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। हमारी ये पूरी लाइन बनके इस तरीके से तैयार हो गई है, हमने ये सारी कलियां बना ली हैं। और जिस तरीके से हमने इन कलियों को जोड़ा था
तीन तीन चेन बना के इसी तरीके से हम इन कलियों को भी जोड़ेंगे। तो हमारी ये सारी कलियाँ बन गई हैं। तो हमारी लास्ट वाली कली है और इसको हम यहाँ जोड़ देंगे ऐसे स्लिप चेन से ऐसे। और अब हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे और ये लास्ट वाली जो हमारी चेन है इसमें जाके हम इसको जोड़ देंगे यहाँ, इसको स्लिप चेन से जोड़ देंगे ऐसे। फिर हम तीन चेन बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन, तीन चेन बन गई। और इस कली को ऐसे पलटेंगे ऐसे, और ये वाली कली जो है इसके जो हमारी लास्ट वाली चेन है इसमें जाके हम इसमें इसको ऐसे जोड़ देंगे। तो हमारी ये सारी कलियाँ जैसे हमने ये बनाई ऐसी तरीके से हमारी ये कलियाँ सारी इकट्ठी होती हुई चली जाएंगी। तो हमारी एक दो तीन, तीन चेन बनाई और इस कली को यहाँ पे लाके इसको ऐसे जोड़ दिया। तो हम पूरा राउंड इसी तरीके से बनाएंगे। फिर हम तीन चेन बनाएंगे ऐसे और इसको कली को ऐसे पकड़ेंगे और ये वाली कली की ये लास्ट वाली चेन में इसको जाके ऐसे हम स्लिप चेन से जोड़ देंगे। फिर तीन चेन बनाएंगे, फिर इस वाली कली को ऐसे करेंगे और इसमें इसको जोड़ देंगे। तो हमारा ये पूरा राउंड हम इसी तरीके से हमारा बनता हुआ आएगा और ऐसे करके हमारी ये कलियाँ सारी इकट्ठी होती हुई जाएंगी। जैसे ये फैली हुई हैं तो ये फैली हुई नहीं रहेंगी, इस तरीके से सारी जॉइंट होती हुई जाएंगी। तो हम पूरा राउंड इसी तरीके से बना लेते हैं ऐसे, तीन चेन बनाएंगे ऐसे और इसको यहाँ पकड़ के इसमें यहाँ इसको जोड़ देंगे। तो हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे ये कैसी लगती ड्रेस। तो हमारी ये सारी कलियाँ इस तरीके से बनके तैयार हुई हैं और ये सारी ज्वाइंट हो गई हैं पूरी, अब कोई भी फैली हुई नहीं है कली। तो इस तरीके से दिख रहा है ऐसे। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, यहाँ पे हमने यहाँ स्लिप चेन से जोड़ दिया है और अब हम इसमें रेड कलर लगाएंगे और रेड कलर की हम इसमें जो होल है उसमें हम पांच पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो वो रेड कलर से बनाएंगे। तो यहाँ तीन चेन लेंगे और इसमें यहाँ इस तरीके से जो होल है इसमें हम चार पाँच, फिर दूसरे होल में भी पांच क्रोशिया बनाएंगे ऐसे डबल, तीन चार पाँच, फिर इस अगले होल में पांच डबल क्रोशिया, तीन चार पाँच, फिर इससे अगले वाले में ऐसे एक दो तीन चार और पाँच। तो हमारी ये पांच डबल क्रोशिया बनती हुई जा रही हैं। तो हम इस सारे होल में पांच पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो हम ये पूरा राउंड कर लेते हैं इसी तरीके से कंप्लीट, फिर आपको ये ड्रेस दिखाएंगे कैसी लग रही है। बहुत खूबसूरत सी ड्रेस बनके तैयार हुई है। तो हम इसकी ये पूरी लाइन बना लेते हैं पहले। तो हमारी ये इस तरीके से डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। तो ये सारी कलियाँ इस तरीके से दिखती हैं और आप इसे और बड़े साइज़ में बनाना चाहें तो जैसे हमने ये दो लेयर बनाई हैं आप इसकी तीन चार भी बना सकते हैं। और पीछे से हमारा इस तरीके से दिख रहा है बिल्कुल राउंड। और ये हमारी छोटी ड्रेस है, इसमें हमने एक ही लेयर बनाई है, शॉर्ट बनाई है और ये हमारी डबल लेयर की है।
तो हमारी ये आपको डिज़ाइन कैसी लगी और हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।